हे गाइस, कैसे हो सारे? यकीन करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ इस टाइप का प्रोफेशनल फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी सहायता से आप सभी अपने फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ कर पाएंगे। सो सबसे पहले गाइस, आपका जो भी नॉर्मल पिक्चर रहेगा उसको गाइस यहाँ से आपको ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में शेयर कर लेनी है। एंड गाइज, अभी मैं यहाँ से अपने पिक्चर को ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में शेयर कर लिया है। एंड गाइज, उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले गाइज, ऊपर में आपको जो है यहाँ से पेंसिल का आइकॉन दिखेगा, जस्ट आपको पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ पे गाइज आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू ब्रश बताऊंगा। सो आपसे वीडियो को कंटिन्यू जरूर से वॉच कीजिएगा। सो आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है एंड स्क्रॉल करने के बाद गाइज आपको यहाँ से ट्रेडिशनल वाला ब्रश में जो है सेकेंड लाइन में जो फर्स्ट वाला ब्रश है, ये वाला जो है इरेजर वाला ब्रश है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सो गाइज, आप सब वीडियो को ध्यान से जरूर से देखिएगा, नहीं तो आप सब प्रोफेशनल फेस स्मूथ नहीं कर पाएंगे। सो जैसे मैं यहाँ से ये वाले ब्रश को मैं सेलेक्ट करूँगा एंड गाइज इसका मैं सेटिंग को ओपन करूँगा, यहाँ से आप सब वीडियो जरूर से आप सब ध्यान से देखिएगा। उसके बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से ब्रश टाइप दिखेगा एंड साइड में आपको स्टैंडर्ड दिखेगा। जस्ट आपको यहाँ से स्टैंडर्ड वाले आपको बटन पे क्लिक करनी है एंड यहाँ पे गाइज आपको सामने में बहुत सारा यहाँ से इंटरफेस आएगा। सो आपको गाइज ऊपर से आपको थर्ड नंबर पे स्मच का आपको बटन दिखेगा, जस्ट आपको स्मच वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड स्मच वाले बटन पे क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइज साइज को तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको जितना बड़ा चाहिए। एंड उसके बाद गाइज फ्लो को आपको 6% रखनी है एंड जो स्ट्रेंथ है इसको आपको 29 के आसपास आपको रख लेनी है। बाकी गाइज आप सब ये इसका सेटिंग का आप एक ठो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि जब भी आप ये वाले ब्रश से फेस स्मूथ करते हैं सो आप यहाँ से सेटिंग को रखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद गाइज कुछ इतना सेटिंग रखनी है, साइज अपने हिसाब से रख लीजिएगा एंड नीचे से गाइज जस्ट आपको क्रॉस करनी है। एंड क्रॉस करने के बाद गाइज आपको पिक्चर को कुछ स्टेप से जूम करनी है एंड जूम करने के बाद गाइज ये वाले ब्रश को आपको स्किन वाले पार्ट पे आपको इसे अप्लाई करनी है। एंड देख सकते हो गाइज, जैसे मैं यहाँ से अपने स्किन पे ये वाले ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ, हमारा स्किन यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से एंड बहुत ही गाइज प्रोफेशनल तरीके से यहाँ से स्मूथ हो रहा है। अभी आप सब यहाँ से लाइव ही देख सकते हैं। सो कुछ इस टाइप से गाइज आपको ब्रश को कुछ इस टाइप से राउंड वाले शेप्स में आपको कुछ इस टाइप से अप्लाई करनी है, जैसे मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से राउंड राउंड गोला गोला करके आपको अप्लाई करनी है। एंड देख सकते हो गाइज, अभी मैंने यहाँ से अपने सर पे अप्लाई किया, मतलब माथे पे। एंड अभी हमारा माथा जो है यहाँ से कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। उसके बाद गाइज जो भी आपका स्किन का पार्ट वगैरह है उस पर गाइज आपको ये वाले ब्रश को अप्लाई करनी है। सो अभी गाइज मैं यहाँ से अपने स्किन को कुछ इस टाइप से अप्लाई करके एंड स्मूथ कर लूँगा। एंड गाइज आपको स्किन को स्मूथ करते टाइम आपको एक दो बातों का ध्यान रखनी है, जैसे अगर ये वाले ब्रश का आप यूज़ करें तो आपको ना इसे बियर्ड पे अप्लाई करनी है, ना मूछ पे अप्लाई करनी है, ना दाढ़ी पे अप्लाई करनी है, मतलब ये वाले ब्रश को आपको केवल गाइज फेस वाले पार्ट पे ही आपको यहाँ से अप्लाई करनी है। एंड देख सकते हो गाइज बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से हमारे यहाँ से फेस स्मूथ हो रहा है। एंड जहाँ भी गाइज आपको साइज़ का मतलब साइज़ को छोटा या बड़ा करना पड़े आप सब यहाँ से आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा कर लीजिएगा। एंड उसके बाद गाइज कुछ इस टाइप से आपको अपने स्किन को स्मूथ करनी है। सो चलिए गाइज मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से अपने स्किन को स्मूथ कर लेता हूँ। एंड गाइज अगर आप सब ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन का फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं फेस को स्मूथ करने के लिए तो आपको फर्स्ट टाइम ये स्मूथ करेंगे तो आपका अच्छा तरीके से नहीं होगा। तो आप सब इसको जो है अच्छा से अगर आपने प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार तो आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ कर पाएंगे। अगर आप इस एप्लीकेशन को नया नया यूज़ कर रहे हैं तो आप सब जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड जहाँ भी गाइज आपको साइज़ को छोटा करना पड़े आप सब यहाँ से बेझिझक साइज को आप सब छोटा करके एंड यहाँ से अपने जो भी आपका स्किन का छोटा छोटा पार्ट रहेगा वहाँ पे आप सब साइज़ को छोटा करके कुछ इस टाइप से स्मूथ कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज मैं इसका लिप्स को भी हल्का सा मैं स्मूथ कर लूँगा। एंड चलिए गाइज मैं यहाँ से अपना जो है हैंड को भी स्मूथ कर लूँगा। उसके लिए गाइज यहाँ से मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर लूँगा एंड जो गाइज हैंड वाला पार्ट है उस पर मैं ये वाले ब्रश को कुछ इस टाइप से अप्लाई करूँगा। एंड गाइज अभी आप सब देख सकते हो मेरा यहाँ से हैंड भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से स्मूथ हो रहा है। बाकी गाइज आपका जो भी यहाँ से पिक्चर में मतलब गर्दन वगैरह का पार्ट वगैरह है उसको अगर स्मूथ करनी है सो आपको कुछ इस टाइप से स्मूथ कर लेनी है। सो कुछ इस टाइप से गाइज आप सब यहां से जैसे ही सभी स्किन वगैरह को स्मूथ कर लेते हैं उसके बाद गाइज ये वाले पिक्चर को आपको गैलरी में सेव करनी है। सो गैलरी में सेव करने के लिए गाइज आपको फर्स्ट वाला जो कोने में आइकॉन दिखेगा जस्ट आपको इस पर क्लिक करनी है एंड यहाँ पे गाइज शेयर वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड उसके बाद गाइज जस्ट आपको सेव टू डिवाइस वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड आपके सामने में गाइज कुछ इस टाइप का लोडिंग लेगा सो आपको कुछ सेकंड के लिए वेट कर लेनी है।
एंड उसके बाद गए जस्ट आपके सामने में कुछ इस टाइप का सेव का आपको ऑप्शन आएगा जो पॉपअप विंडो ओपन होके आएगा, तो जस्ट आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करनी है एंड उसके बाद गए ये वाला पिक्चर आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइज कुछ इस टाइप से आप सभी अपने नॉर्मल पिक्चर को कुछ इस टाइप में प्रोफेशनल स्किन स्मूथ कर पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो यकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जोर से लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज मैं कुछ इस टाइप्स का एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।